उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ चिन्याली सौड़ में थरासू बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। टिहरी गढ़वाल के थान जौनपुर के रहने वाले स्वर्णकार नौगांव में अपनी ज्वेलरी की दुकान खोलने जा रहे थे। हादसे से नौगांव बाजार समेत थान जौनपुर में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को 60 साल के विजयपाल पवार परिजनों के साथ अपनी कार से नौगांव के अपनी ज्वेलरी की दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। थरासू बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे पर वो हाईवे पर आए पत्थर हटाने के लिए कार से उतरे। इस दौरान पत्थर हटाते हुए पहाड़ी से आया एक पत्थर विजयपाल के सिर पर लगा। पत्थर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थरासू पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल विजयपाल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ भिजवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले थरासू भूस्खलन जोन में हुई ये घटना तीर्थयात्रियों के लिए भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। थरासू बैंड के पास जहाँ पर यह हादसा हुआ है, वहाँ लंबे समय से सक्रिय भूस्खलन जोन नासूर बना हुआ है। भूस्खलन से यहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों हाईवे पर एक साथ बंद हो जाते हैं। हालांकि वर्तमान में बीआरओ ने गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण किया है, जिससे गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन का मलबा आने से भी हाईवे पर यातायात बाधित नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर अब भी बरकरार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।